नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भंडारी और आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्लास ए पार्ट वन। अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोस जो कुछ भी फिफ्थ क्लास से लेकर तो टेंथ क्लास तक जो कुछ भी वीडियो बनेंगे वो आपको मिलते रहे। और उसी के अलावा और एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे आप, तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में पढ़ाई करने का मौका और पढ़ाई करने का अच्छा तरीका मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें पहले पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। अब जितने भी नंबर्स बने हुए हैं, वन से लेकर जितने भी नंबर्स बने हुए हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स में है। वन टू थ्री फोर फाइव, पूरे जितने भी नंबर्स हैं। लेकिन वो नंबर्स कभी माइनस में नहीं होते। नेचुरल नंबर्स कभी भी आते हैं वो माइनस में नहीं हो सकते। देन आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अब इसमें होल नंबर्स में देखिए, सबसे पहले आता है, यहां पे भी वही आएगा, जीरो आता है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया हमारे होल नंबर्स। उसके बाद है हमारे इंटेगर्स। ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं, वही वाले नंबर्स में ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद है इंटेगर्स। अब इंटेगर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे इंटेगर्स देखिए, प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। सो यहाँ पे देखिए माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, उसके बाद प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड प्लस फोर, ऐसे ये इधर बढ़ते जाएगा, ये इधर बढ़ते जाएगा, इन्हें कहते हैं इंटेगर्स। ठीक है, और इंटेगर्स के बाद आता है हमारे पास, वहां पे आपके इसमें दिया हुआ है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसलिए अभी बढ़ते हैं हम सीधा रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देन देखिए अभी रैशनल नंबर्स क्या होता है हमारे पास, ये रहा हमारा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं हमारे रैशनल नंबर्स में देखिए, माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री, देन टेन माइनस सेवन, देन लिखा है माइनस फोर, जीरो, थ्री, एट, थर्टी टू अपॉन थ्री, सिक्सटी सेवन अपॉन फाइव, एटीसी, ऐसा लिखा हुआ है आपके बुक में। ठीक है, पेज नंबर, पहले ही पेज नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ध्यान में रखना है कि ये रहेगा, मतलब ये यम अपॉन यन फॉर्म में रहेगा, और यन ये कभी भी, ये यन ये जो है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। यन इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि यदि यन ये जीरो हो गया समझ के चलो, तो फिर उसका आंसर तो जीरो ही आ रहा है, और जीरो कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब देखिए एक और बता देता हूं मैं, यहाँ पे ये थ्री अपॉन थ्री से डिवाइड कर रहे हैं हम ट्वेंटी फाइव में, सो इसका आंसर देखिए कितना आता है, तो थ्री के टेबल में ट्वेंटी फोर आते हैं, कितने टाइम्स करते हैं, एट टाइम्स में, बचा वन पॉइंट दे दिए जीरो, थ्री थ्री जा नाइन, फिर से वन जीरो, मतलब ये जो बढ़ेगा ये थ्री थ्री के इसमें बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद थ्री 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 ऐसे नंबर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं फिर से माइनस सेवन से डिवाइड करके देखते हैं टेन में, तो सेवन वन जा सेवन, बचे थ्री, पॉइंट दे दिया, यहाँ पे जीरो बढ़ गए, तो सेवन के टेबल में थर्टी नहीं आते हैं। सेवन से छोटा नंबर कौन, थर्टी से छोटा नंबर कौन सा होता है, फोर जा ट्वेंटी एट, फिर माइनस किए तो टू जीरो, सेवन के टेबल में ट्वेंटी से छोटा नंबर आता है फिफ्टा, सेवन टू सा फोर्टीन, यहाँ पर देखिए सिक्स आ गया, फिर से यहाँ पर जीरो, तो अभी सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स होता है, फिर से कितना आ गया फोर आ गया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिए। अभी ये करते जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा सकूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। सेवन के टेबल में फोर्टी से छोटा नंबर कितना आता है, फाइव जा थर्टी फाइव, यहाँ पे आ गया फाइव, जीरो, फिर से सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वन, फिर से देखिए वन आ गया जीरो,
फिर से 7, मतलब क्या होगा यहाँ पे 10 में से माइनस 7 गया तो 3, फिर से 0। अब देखिए यहाँ पे भी ये 1 आ गया, मतलब 7 आ गया यहाँ पे मेरा, ठीक है। फिर ये नंबर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे 8, 5, 7, ठीक है। ये कंटिन्यूशन में देखिए, ये वाले कंटिन्यूशन में, मतलब 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पे 67/5 है, अब ये छोड़ देते हैं, ये हो गया। अब हम एक नंबर लेते हैं 7/40 कर लेते हैं, ठीक है, 7/40। सो 7 के टेबल में 40 तो नहीं आता, 7 के टेबल में 40 आता है कि नहीं आता है, 7/40 से छोटा नंबर आता है, 5 times में 35, ठीक है। 40/-35=5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। 7 के टेबल में 50 नहीं आते, 7 7 49 यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। अब 7 के टेबल में देखिए 10 नहीं आते, 7 7 7, ये भी इक्वेशन वही बन गया, यही वाला आंसर आएगा हमारा फिर से कंटिन्यूशन में, है ना। तो ये वाला नंबर न लेते हुए यहाँ पे भी सेम कंडीशन बढ़ते जाए, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी मैं यही टॉपिक समझाते जाऊंगा तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। मैं क्लियरली आपको एक बता दूं कि ये जो है रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स में क्या आएगा, ये जो इंटीजर जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है वो कंटिन्यूशन में एक तो वही नंबर आएंगे, या फिर जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट में 3 3 3 आया, ठीक है, पॉइंट के बाद, इसलिए ये जो है ये रैशनल नंबर हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 2 8 5 7 4 2 8 5 7 ये भी कंटिन्यूशन में आया, इसलिए ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया 8 5 7, ये रिपीट हो रहा है, ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है 5.71, उसके बाद वो रिपीट होगा, मतलब ये सेम उसी के जैसा आएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगी। अब हमें जानना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, जैसे हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 1 2 5 4 3 7 8, मतलब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो रिपीट नहीं होंगे, और जो रिपीट एक तो रिपीट नहीं होंगे और रिपीट के साथ साथ वो क्या होंगे, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं वो कंटिन्यूशन में नहीं आएंगे, मतलब उसका जो सीक्वेंस है, उनका जो सीक्वेंस है वो बराबर नहीं रहेगा, एक लाइन में नहीं आएगा, वो आगे पीछे होगा। जैसे ये 1 2 5 मान लेते हैं, एक 1 2 5 4 आया 8.1254, देन फिर से 1 2 5 4 आया, तो वो बन जाएगा रैशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन यदि मान लो 1 2 5 4 एंड 1 2 5 4 ऐसा नहीं आता है, और यहीं पे पॉइंट के बाद 1 4 5 2 3 फिर से 5 2 4 9 8 ऐसा कोई भी नंबर आ गया, ये सीक्वेंस में आएगा, देखिए 1 4 5 2 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो 5 2 3 4 4 9 8 ऐसा है, मतलब ये सीक्वेंस में आएगा, पॉइंट के बाद नहीं आएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर, इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, और ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे, आपको मुझे लगता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ऐसा कहा गया है वहां पे कि फॉलोइंग पॉइंट्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 3/2, 5/2 and -3/2। आपको एक बात बता देता हूँ कि लाइन, ये जो लाइन मैंने फिर क्या कहते हैं खींच ली, लेकिन आपको किस प्रकार से खींचना है, तो यहाँ पे देखना है डिनोमिनेटर्स में नंबर्स कितने हैं, डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको भी वही करना है, 0 के बाद 1 2 नंबर्स खींचा और फिर बाद में लिखा मैंने -1, सेम कंडीशन 1 2 2 वाले ही नंबर में मैंने 1 लिख दिया, ताकि आपका जो है उस पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 2 का 2 बोले हैं तो बीच में कितना नंबर आया, सिर्फ 1। मान लेते यहाँ पे 5 आता तो 0 के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में कितना 5 आता, तो मैं क्या करता, एक लाइन के बाद मतलब यहाँ पे 0 होगा तो 1 2 3 4 एंड जो फिफ्थ वाली लाइन आएगी, जो फिफ्थ वाली मतलब डिनोमिनेटर्स में मान लो एक 5 होता है, तो जो फिफ्थ वाली लाइन आएगी वहां पे मैं लिखता 1, समझ में आया, उसको क्या लिखता मैं 1। तो इसी प्रकार अभी आपको इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं
थ्री अपॉन टू हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले थ्री अपॉन टू कहां पे आएगा, तो हम देखिए जीरो के बाद ए दो तीन आ गया, कितने नंबर्स हो गए, वन ये वन वन टू एंड थ्री, ठीक है। तो थ्री अपॉन टू चाहिए, ये रहा हमारा ये थ्री अपॉन टू। इस नंबर को लाइन पे हम देखना उसको नाम देंगे ए, ये हो गया हमारा थ्री अपॉन टू। ये लाइन में थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि आपको समझ में आए, इसलिए थ्री अपॉन टू। देन फाइव अपॉन टू बोले हैं, अब देखिए फाइव अपॉन टू, तो हमें डायरेक्ट फाइव की तरफ नहीं जाना है, हमें फाइव की तरफ नहीं जाना है, हमें जीरो से ही पांच लाइन दी है, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना, एकदम छलांग नहीं मारना है। यदि हम छलांग मार दे तो क्या हो जाएगा, डूब जाते हैं, तो डायरेक्टली डूबना ही नहीं है, हमें आसानी से तैरते हुए जाना है, इसलिए क्या करेंगे फाइव। देखिए ये हो गया जीरो, जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लाइन आ गई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फाइव अपॉन टू। ये हो गया हमारा क्या लिखा है बी, हम उसे पॉइंट क्या लिखे बी देंगे। अब उसके बाद लिखा है थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू, एक ध्यान में रखिए माइनस थ्री अपॉन टू। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में जो रहेगा, मतलब जीरो से माइनस वन के बीच में वन एक नंबर है, माइनस वन से लेकर माइनस टू के बीच में वन नंबर है ना, तो अब उसको हमें ध्यान में नहीं देना है, ना कि माइनस थ्री को ध्यान में रहना है। हमें यहाँ से जीरो के बाद वन टू थ्री, ये रहा हमारा थ्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री अपॉन टू, मतलब ये थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। अब इसको डिनोमेट मतलब इसको क्या है किससे बताएंगे सी से, ठीक है। तो यहां पे ये लिखेंगे ए ए पॉइंट ए, पॉइंट ए डिनोट्स द नंबर थ्री अपॉन टू, फिर बी क्या कर रहा है फाइव अपॉन टू, और सी ये क्या कहता है थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू। इस प्रकार से ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। अब हम देखेंगे सेकंड का, अभी देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, सेवन अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये तो नंबर लाइन में दिखाना ही है हमें, ठीक है। तो नंबर्स लाइन में दिखाना है, एक बार चेक कर लेता हूँ, सेवन अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव एंड माइनस फोर अपॉन फाइव। अब ये हमें नंबर लाइन में दिखाना है तो हम डायरेक्टली भी नंबर वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या, मैंने इसके पहले बताया कि डिनोमीटर्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जीरो लिखा हमने, ठीक है, जीरो के बाद अभी हमें कितने यहाँ पे डिनोमीटर्स में कितने फाइव, सो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव लिखा तो ये आ गया सेवन अपॉन फाइव, ये कितना आ गया सेवन अपॉन फाइव, समझ गए, सॉरी सेवन अपॉन फाइव नहीं आएगा, ये फाइव अपॉन फाइव आएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा वन, समझ में आया, कितने पॉइंट खींचने थे पांच लाइन खींचने थे, तो वन टू थ्री फोर फाइव ये आ गया वन। अब उसके बाद हमें और कितने नंबर, इसके बाद में और लाइन खींच लेता हूँ, ये तो हो गया देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से वन टू थ्री ये फोर एट फाइव, यहाँ पे आ गया टू। अभी इसके आगे बढ़ने की जरूरत फिलहाल में तो इसमें नहीं दिख रही है, यदि जरूरत होगी तो हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है इधर माइनस है, तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे आएगा माइनस वन, देन सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे आएगा माइनस टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ये हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेवन अपॉन फाइव, तो जीरो के बाद हम क्या करेंगे सात लाइन गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आ गई हमारी सातवीं लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एरोस के द्वारा भी दर्शा सकता हूँ या फिर मैंने जैसे नंबर्स के द्वारा दर्शाया था वैसे भी, तो इसका आंसर कितना आएगा सेवन अपॉन फाइव, ठीक है। ये प्लस में था इसलिए ये सेवन अपॉन फाइव, इसको नाम दे देते हम ए, ठीक है। अब उसके बाद माइनस टू अपॉन फाइव है, तो माइनस टू अपॉन फाइव कहां से आएगा, देखिए वन टू हो गया, वन टू कितना ऊपर में कितना है टू, इसलिए टू ये आ गया यहाँ पे, ये वाला जो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस टू अपॉन फाइव, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बी ए, ठीक है, माइनस टू अपॉन फाइव।
अब है माइनस फोर अपॉन फाइव, फिर से क्या करना है, फिर से हमें जीरो के बाद वाला वन टू थ्री फोर माइनस फोर है, सो यहाँ पे क्या एरो दे दो माइनस फोर अपॉन फाइव। ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, देखिए नंबर लाइन पे हमने जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर है इसको सी से डिनोट करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और उसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखिए दोस्तों अभी तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बता है क्वेश्चन नंबर थ्री, माइनस फाइव अपॉन एट एंड इलेवन अपॉन एट। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स में कितने नंबर्स लिखे हैं, एट। तो हमें क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, मतलब हमें एट लाइंस क्या करना है, हमें एट पॉइंट के तरफ बढ़ना है। तो जीरो से लेकर हम कितने पॉइंट तक बढ़ेंगे, एट पॉइंट तक। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा वन। उसके बाद अभी हमारे जरूरत है क्या, 8 है, लेकिन 11 अपॉन 8 लिखा है, मतलब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 ना 8 लाइन होगी ना हमारे, फिर क्या करेंगे, फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गए, यहाँ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे भी वही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे आएगा माइनस टू। ये लाइन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, माइनस टू की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा कुछ ये किया नहीं, लेने तो वहां पे भी हमें जरूरत पड़ती है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर लाइन पे कितना दिखाना है, माइनस फाइव अपॉन एट, माइनस फाइव, माइनस वाला साइड कौन से, हमारा राइट साइड में। सो यहां से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव कितना है, माइनस, यहाँ पे एरो दे दीजिए, माइनस फाइव अपॉन एट, ये आ गया, इसको हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। अब इलेवन अपॉन एट है, इलेवन अपॉन एट है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, इधर को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आ गया, फिर हमें तो चाहिए इलेवन, नाइन टेन इलेवन, ये रहा इलेवन, सो इलेवन अपॉन एट, ये आया हमारा इलेवन अपॉन ए, और उसको हम कैसे ये करेंगे बी से, ये हो गया आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। देखिए माइनस फाइव अपॉन एट दिखाना था तो दिखा दिए, फिर उसके बाद इलेवन अपॉन एट दिखाना था तो दिखा दिए, हो गया हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अभी दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर है ना, वहां पे देखिए डिनोमिनेटर्स में नंबर लिखे टेन, घबराना नहीं है, बहुत आसान तो है, हमें अभी क्या करना है वही करना है, डिनोमिनेटर्स के लिए जीरो के बाद हमें क्या करना है नंबर्स लिखने, तो कितने नंबर्स है यहाँ पे टेन, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, आ गया टेन। अब टेन के लिए क्या करना है, हमें वन लिखना है, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे आ गया वन। उसके बाद फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे आ गया हमारा प्लस टू। देन अब देखिए यहाँ पे टेन, पहले तो बिगर नंबर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन के बाद थर्टीन आया था, इसलिए मैंने टू तक नंबर ले लिया, वही पे यहाँ पे फिर से टेन दिखा है, लेकिन ऊपर का नंबर माइनस सेवनटीन है, इसको भी हमें टू तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि टेन प्लस टेन ट्वेंटी हो जाता है, तो ट्वेंटी के समय पे टू आएगा, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे आ गया हमारा वन। उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू, लेकिन ये क्या करेगा माइनस में, क्योंकि राइट साइड में माइनस लेफ्ट साइड में प्लस, ठीक है। तो अब देखिए जीरो, अब जीरो के बाद हमें कितने नंबर चाहिए, थर्टीन अपॉन टेन, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ये आ गया हमारा थर्टीन अपॉन टेन, एरो के द्वारा दर्शाते हैं हम, तो सो थर्टीन अपॉन टेन, ये हो गया। अब थर्टीन अपॉन टेन को हमें क्या करना है, ए से हम इसको दिखा लेते हैं, कैसे दिखा लेते हैं, ए से, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद माइनस सेवनटीन अपॉन टेन है, सो माइनस इधर है, मतलब इधर से एंड आएगा, माइनस के लिए क्या करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, यह आ गया हमारा सेवनटीन अपॉन टेन, लेकिन ये क्या है, माइनस में है ना,
ये माइनस 17 अपॉन 10 और इसको डिनोट करेंगे हम b से, ठीक है। देखिए b से माइनस 17 अपॉन 10 और a से 13 अपॉन 10। इस प्रकार से आपके ये फोर्थ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जब भी क्या कहते हैं नंबर लाइन के लिए प्रैक्टिकल नंबर्स और नॉर्मल लाइन करना है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर्स कितने लिखे 10, सो जीरो का पॉइंट छोड़ के जीरो के बाद सिर्फ 10 लाइन लिखना और जो 10 आएगा वहां पे 1 लिखना, फिर उसके बाद 11 मतलब वहीं से फिर से 1 से लिखना तो आगे बढ़ना और उसके बाद लिखना 2। और उसके बाद क्या करना है, जो भी कोई नंबर दिया जैसे 13 अपॉन 10 है तो हमें 0 से ही 13 लाइन लिखना और 13 लाइन लिखने उसके अपॉन में 10 लिख लेना तो आपका जो है उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको नंबर लाइन दी हुई है और नंबर लाइन के ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे, बहुत आसान है ये वाला है। तो देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, जीरो से लेकर वन के बीच में कितने लाइन कितने पॉइंट्स है वो गिन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 कहाँ पे आ रहा, 4 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो है 4 यहाँ पे क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 1 मतलब 4 आ गया, राइट। तो 4 क्या हो गया, ये हमारे अपॉन में आएगा, 4 ये क्या आएगा हमारे अपॉन में आएगा। उसके बाद 4 अपॉन में आ गया तो अब हमें क्या चाहिए, ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो ऊपर वाला नंबर हम गिन के बता सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है, विच नंबर इंडिकेट बाय पॉइंट बी, विच नंबर इंडिकेट बाय पॉइंट बी। सो हम नंबर गिन देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, B is equal to कितना आ गया है हमारा ये 10 और बीच में हमारा कितना नंबर है, देखो 1 2 3 4, सो 4 B denotes 10 my 10 upon 4 और वो भी कौन से, ये जो है हमें पूरा आंसर लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में आंसर बता रहा हूं कि 10 upon 4 minus 10 upon 4 क्या आएगा, B denotes कौन सा ये कर रहा है, नंबर आ रहा है 10 upon minus 4, ठीक है। उसके बाद बीच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी 1 3 अपॉन 4 यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स में रैशनल नंबर्स में पहले से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 इसका ये होता है 4 into 1, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 4, सो 4 1 4 4 plus 3 7 अपॉन 4 हो गया। अब 7 अपॉन 4 हमें क्या है, ये प्लस में कि माइनस में पहले देख ले, तो ये प्लस में ही है, मैंने कैसे ये प्लस में दिया हुआ, ये प्लस में है। सो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, 1 3 अपॉन 4 नहीं ढूंढना है तो 7 अपॉन 4 ढूंढना है। तो 0 से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारा 7 अपॉन 4। इट मीन्स अब यहाँ पे हम 7 अपॉन 4 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 3 अपॉन 4 ये ब्रैकेट में, और ये कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा है, 1 3 अपॉन 4 ये पॉइंट डिनोट कर रहा है सी, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5 अपॉन 2, डी डिनोट्स द नंबर 5 अपॉन 2 इज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए यहां पे पहले तो डी ढूंढ लेते हैं, डी इज इक्वल टू कितना है, यहां पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये आ रहा है 10 अपॉन 4, राइट, डी डिनोट्स द 10 अपॉन 4। अभी देखिए हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ 5 अपॉन 2 है लेकिन हमारा तो आया 10 अपॉन 4, अब क्या करें, ठीक है ना, 10 अपॉन 4 आया, 10 अपॉन 4, देखिए इसमें भी 2 से डिवाइड होता है और 10 में भी 2 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 से, तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, मतलब 5 अपॉन 2 ये हमारा आंसर आ गया। सो ये वाला जो है डी डिनोट्स द नंबर 5 अपॉन 2 इज ट्रू, फॉल्स नहीं है, ये क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए स्टेट द वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट, ये वाला डी डिनोट्स द नंबर 5.2 ये हमें प्रूव कर रहा है। सो डिवाइडिंग बाय 2 टू ईच डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करना है और
ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 और वो भी मैथ्स की पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो फिर से एक बार हमारे चैनल को ध्यान में रखिए, पूरा एक्सरसाइज देख लिया आपने, प्रैक्टिस सेट देख लिया, समझ में आ गया आपको, तो इसके आगे वाला जो प्रैक्टिस सेट 1.2 आएगा उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को क्लिक करने के बाद वहां पे देखिए ऊपर में ऑल लिख के आ रहा है, तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जो कोई भी वीडियो आएगा वो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।